रेलवे स्टेशन पर बैठकर वो ट्रेन का इंतजार कर रही थी। जी हाँ, स्टेशन पर वो बैठी थी और जैसा होता है कि प्लेटफॉर्म पर जीआरपी जो होती है वो चेक करती है, रेलवे पुलिस चेक करती है, देखती है आसपास क्या हो रहा है। तो एक लड़की पर पुलिस की नज़र पड़ती है। मामला जबलपुर का है, वारदात जबलपुर के रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई है। तो जीआरपी चेक करती है, तो जीआरपी को पहली नज़र में लगता है कि एक अच्छी लड़की, देखने में ठीक ठाक, और ऐसा नहीं कि मतलब कुछ लगे देखते साथ के शक हो कि ये लड़की क्या कहाँ जा रही है। ऐसे ही लगता है पहले तो, कहीं पैसेंजर है, कहीं जा रही है। तो पुलिस एकदम पूछती है कहाँ जा रही हो आप, क्या कर रही हो। तो वो बता भी देते कि मुझे इस स्टेशन पे जाना है, और पुलिस को जानकारी देती है और पुलिस भी वहाँ से चली जाती है। लेकिन पुलिस को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ है, तो जो बार बार ये सस्पेक्ट लग रही है, ये लड़की संदिग्ध लग रही है। यानी कुछ पुलिस को इनपुट्स ऐसे लग रहे थे कि इसका जो ट्रॉली बैग है, यानी उस लड़की के पास जो ट्रॉली बैग था, उस ट्रॉली बैग को देखकर पुलिस को बार बार कुछ शक हो रहा था कि इसके पास कुछ है। और यही वजह है कि पुलिस ने उस लड़की से को पूछताछ के लिए फिर दोबारा बुलाया, और जब पूछताछ की तो बैग खुला, और बैग से जो निकला उसे देख पुलिस भी हैरान थी। अपराध पता साजी प्लेटफॉर्म ड्यूटी के दौरान जानकारी मिली कि प्लेटफॉर्म 2 पर इटारसी एंड तरफ एक महिला संदिग्ध अवस्था में ट्रॉली बैग में कुछ मादक पदार्थ रखे हुए है, जो विधिवत कार्रवाई करते हुए महिला से पूछताछ की गई, जिसने ट्रॉली बैग में मादक पदार्थ गांजा होना स्वीकार किया। इस पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। महिला से कुल 13 किलो 600 ग्राम गांजा कीमती 260,000 रुपये का पकड़ा गया है। ये आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस बता रही है, रेलवे पुलिस, कि ये अपने आप में पुलिस को दरअसल इनपुट मिल रहे थे कि जबलपुर स्टेशन से ड्रग्स की सप्लाई होती है, और बड़े पैमाने पर सप्लाई होती है, लाखों करोड़ों रुपए की ये तस्करी का धंधा है, और ये तस्करी का धंधा कोई गिरोह करता है। लेकिन उस गिरोह को चलाता कौन है, उस गिरोह के पीछे कौन है? तो जब इसको गिरफ्तार किया गया, तो पुलिस ने शुरुआती तौर पर जब पूछा, क्योंकि वो छुपा नहीं सकती थी, बैग से निकला था लाखों रुपए का मादक पदार्थ। अब बैग से निकला हुआ इतना सारा जो भी मादक पदार्थ था, उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया कि ये बैग में कैसे करती थी तस्करी, ट्रेन के अंदर से करती थी, क्या करती थी ये। पता चला कि वो जबलपुर में ही रहती थी, लेकिन उसके कनेक्शन दूसरे स्टेट तक थे, यानी कि नेटवर्क बड़ा फैला हुआ था। लड़की खूबसूरत, लेकिन इस तरह की काम पुलिस को भी लगा। पुलिस ने शुरुआती तौर पर जब, जैसे मैंने बताया, तो पूछा, तो पता चल गया कि नहीं, वो करती है इस तरीके की सप्लाई। हालांकि पुलिस का मानना यह भी है कि चूंकि जब प्राइमरी यानी शुरुआती तौर पर पूछताछ की जाती, तो बहुत सी चीजें नहीं आ पाती सामने। लेकिन एक बैग के अंदर अगर मान लीजिए लाखों रुपए का मादक पदार्थ था, तो वो कब से किस तरीके से लाखों करोड़ रुपए के इस तरीके के ड्रग्स को खपा चुकी होगी, और क्या ये बड़ा नेटवर्क है, और जिसमें एक लड़की का इस्तेमाल कोई गिरोह कर रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि यही पुलिस के सामने सवाल था कि आखिरकार इस तरीके की वारदात को अंजाम कैसे दिया जा रहा है। हालांकि खुलासा करने में पुलिस कामयाब हो गई। जबलपुर से आप तक खबर पहुंचाई धीरज शाह ने, आप देखते रहें MP तक।